इस काली कार वाली लड़की ने हम पर कीचड़ क्यों फेंका है? आगे चलकर इसको रोकते हैं। ये बताएं कि रूही यहाँ से कितनी दूर है? चोलिस्तान डेढ़ एक किलोमीटर। अच्छा, ये चाचा जी क्या बेच रहे हैं जी? इसको क्या बोलते हैं चाचा जी, क्या बोलते हैं इसको? फुट खकड़े। फुट 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 खकड़े। नाजरीन को दिखाएं जी कैसे मछली पकड़ने का तरीका है। वो किस्मत की बात है कि मछली आए ना आए। ये आटा है, ये स्पेशल आटा होता है, इसमें आटा होता है, वो होता है, गुड़ मिलाते हैं इसमें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम हो चुका है कि हम जा रहे हैं रोही चोलिस्तान में, और जितनी भी हाइलाइट्स देखी हैं ये सब आज आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी तो फ्रेंड्स, ये खूबसूरत मनाजर आप देख रहे हैं हमारे दाएं बाएं, ये खूबसूरत सी नहर गुजर रही है और दरख्तों का ये झुंड, बहुत ही खूबसूरत से मनाजर। तो जनाब, ये है हमारे दाएं बाएं रेत के टेले और सहरा। हमारे दाएं जानिब आपको एक बाउंड्री नज़र आ रही होगी। जी हाँ, ये वेटरनरी यूनिवर्सिटी है जिसका मेन गेट अभी आगे सामने आएगा, जिसे हम दिखाएंगे। और हमारे बाएं जानिब बावलपुर का DHA है, जो कि बहुत लंबे और बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है, जिसका एक अलग से ड्रोन ब्लॉग इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो दाएं जाने आप देख सकते हैं ये मेन गेट जा रहा है, लेकिन इस वक्त हमारा डेस्टिनेशन है रोही चोलिस्तान। देखिए दोस्तों, अभी तो रोही शुरू नहीं हुई और रेत ही रेत आपको नजर आ रही है, लेकिन आबादियां भी हैं अभी, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा दूर नहीं निकले हैं और मौसम भी इस वक्त काफी सुहाना बना हुआ है। बादल छाए हुए हैं हर तरफ। दोस्तों, जैसे ही जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मनाजिर बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। फिलहाल तो कहीं रेत नज़र नहीं आ रही, हाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर इस वक्त, जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप स्क्रीन पर इसको महसूस कर रहे हों। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाजर, और बादलों ने बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम बनाया हुआ है, चार चांद लगाए हुए हैं इन मनाजिर को।
आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, और बहुत से खूबसूरत व्लॉग्स यहाँ पड़े हुए हैं जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं, और आने वाले व्लॉग्स से भी आप ज़रूर मुस्तफीद होंगे और इंजॉय करेंगे यकीनन। ये खूबसूरत सी जगह नज़र आई तो हमने सोचा कि यहाँ से भी आपको ज़रूर दिखाया जाए। बहुत ही प्यारे मनाजर दोस्तों, आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसे लग रहे हैं आपको ये मनाजर। दाएं बाएं जानिब खूबसूरत फसलें, इस वक्त कपास की, और बारिश भी हो चुकी है, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला किसानों की जो मेहनत है उसका फल लगाए और रहमत की बारिशें बरसाएं। दोस्तों, उम्मीद की जा सकती है कि अभी तक का जो व्लॉग है यहाँ तक आपको मनाजिर बहुत पसंद आए होंगे। बूंदाबांदी शुरू हो रही है और लगता है कि बारिश अभी तेज़ होने लगी है, तो मेरे ख्याल में हमें यहीं पर रुकना चाहिए। ये देहाती माहौल और ट्यूबवेल लगा हुआ है, यहाँ से हम गुजर रहे हैं। हमारे पीछे दोस्तों बादलों के गरजने की बहुत आवाज़ आ रही है, और करीब करीब कोई आबादी भी नहीं है। तो दोस्तों, इन बच्चों को भी आप कमेंट कर दीजिएगा, स्पेशली ड्रोन को उड़ता देखकर वापस मुड़वाया है अपने बाबा के बाइक को। जी तो फ्रेंड्स, सामने देखें, मैं यहाँ पर सामने खड़ा हूँ और बारिश का मौसम बन रहा है, पीछे बादल आप देख सकते हैं, और माहौल इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो सुहाना है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द अज जल्द यहाँ पर वाइंड अप करें और अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस वक्त बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी यहीं पर रुकना पड़ा है क्योंकि आगे सफ़र बहुत लंबा है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको यहाँ से आगे लेकर जाएंगे और अगले मनाजर दिखाएंगे, चोलिस्तान में पहुँचा कर रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का यहाँ तक का व्लॉग पसंद आया होगा। अगला खूबसूरत ड्रोन व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और कमेंट कर दें। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।